बिस्मिन डियर स्टूडेंट असल लेक्चर नंबर कोर्स टाइटल है लीनियर अलजेब्रा टॉपिक जो आज हम स्टडी करेंगे वो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नेचर ऑफ ऑफ सॉल्यूशन दिस सिस्टम तो सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैं कहता हूँ विच इज ऑपटेन बाई एट द मैट्रिक्स ए एंड बी इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये ए और बी मैट्रिक्स कौन से हैं ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल के साथ आपको बता देता हूँ ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक लीनियर सिस्टम था अलिनियर सिस्टम तो ये थ्री बाय थ्री का मैंने लिखा है तो मैंने तीन तक एक्स थ्री तक लिखा है लीनियर सिस्टम ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस ए वन थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू बी वन ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू एंड ए थ्री थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू बी टू ए थ्री वन एक्स वन प्लस ए थ्री टू एक्स टू प्लस ए थ्री थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू बी थ्री इन मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स के अंदर हम लिखते हैं इसको तो ये ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री एन टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अगर इनको आप दोबारा मल्टीप्लाई कर दें यही आ जाएगा दोबारा इज इक्वल टू बी वन बी टू बी थ्री यहाँ पर मैंने इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया पहले को इसको अननोन के मैट्रिक्स को एक्स का नाम दे दिया और इस मैट्रिक्स का नाम मैंने बी रख दिया अब मेरे पास मैट्रिक्स ए ये है अगर मैं मैट्रिक्स ए जो कि कोफिशेंट मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स बी अगर इनको ए की मैट्रिक्स के अंदर कंबाइन करके लिख दू देखें पहले ए पहले मैट्रिक्स ए है ये वाला जो है ना ये देखें ये इतना जो मैट्रिक्स होगा ना ये वाला ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये ए है और जो ये पूरा मैट्रिक्स है यहां से लेकर यहां तक ये पूरा मैट्रिक्स ये हमारे पास आगमेंट्रेड मैट्रिक्स ए भी है तो यहां पर मैंने यही बताया मैंने कहा दी कोरस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज गिवन बाय ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री लाइन डालकर जो इक्वल के दूसरी साइड पर है इसीलिए लाइन डाली है ताकि आपको पता रहे कि जो लाइन के बाद वाला मैट्रिक्स है वो इक्वल के दूसरी साइड वाला है बी वन बी टू बी थ्री ये मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है इसी को मैंने कहा है यहाँ पर भी बता दिया मैट्रिक्स ए है

कोई भी सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी हमें गिवन होगा हमने कहा इस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होगा अगर मैट्रिक्स ए का रैंक रैंक आपको पता है नंबर ऑफ नॉन जीरो इन ठीक है अगर मैट्रिक्स ए का रैंक और मैट्रिक मैट्रिक्स का रैंक इक्वल हो जाए और ये बराबर हो जाए नंबर ऑफ अन नॉन के तो सॉल्यूशन क्या हो जाए हो, हो जाएगा यूनिक लेकिन अगर हम कहेंटम ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज इनफिनिट सॉल्यूशंस इफ रैंक दोनों के बराबर हो गए रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी बराबर है लेकिन नंबर ऑफ ए नॉन ज्यादा है रैंक उनसे कम हो गया यहां पर तीनों बराबर थे तो सॉल्यूशन यूनिक था जब रैंक बराबर आ जाए नंबर ऑफ अन ज्यादा हो जाए रैंक कम हो उससे तो सॉल्यूशन इंफिनट हो जाते हैं ये आगे मैं हर एक ही एक एग्जाम्पल एक 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 करवाता हूं आपको नंबर थ्री सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज यूनिक सोल्यूशन हैज नो सोल्यूशन सॉरी हैज नो सोल्यूशन सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी का सोल्यूशन नहीं आएगा अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ अगमेंट्रेड मैट्रिक्स दोनों इक्वल ना हो मतलब जब रैंक इक्वल ना आई दोनों के तो सोल्यूशन बी एग्जिस्ट नहीं करेगा अब एग्जाम्पल नंबर वन है सोल्व द ऑफ गिवन लीनियर एक्विजन एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री

और जो जीरो वन माइनस है ये मैट्रिक्स भी है दी कॉरस्पॉन्डिंग आगमेंटेड मैट्रिसेस अब हमारे पास जो आगमेंटेड मैट्रिसेस आएंगे उसका क्या करना है अब देखिए पहले मैट्रिक्स ए लिख दें बाद वाले मैट्रिक्स कंबाइन करके लिख दिया इन दोनों को कंबाइन करके लिखा तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया अब इसको किस फॉर्म में चेंज करना है इसको हम एचिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे पहले जब हमने इन्वर्स निकाला है तो उसमें हमने रिड्यूस्ड एचिलान फार्म इस्तेमाल की है इसमें हम एचिल फार्म इस्तेमाल कर जाएंगे ठीक है एच फॉर्म फार्म हमें जो है उसकी नेचर बता देती है एचिलान फार्म क्या होती है ऐसी फार्म जिसमें डायगनल एलिमेंट को वन वन बना दें लेकिन डायगनल के वन उस वन के नीचे जीरो आ जाए इस वन के नीचे भी जीरो आ जाए ये वन है तो इसके नीचे अगर तो होता तो जीरो होता तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डायगनल एलिमेंट को वन वन बनाते हैं और वन के नीचे बाकी तमाम एलिमेंट को जीरो बना देते हैं उसको कहते हैं एचिलान फार्म तो ये वही तरीका ऑपरेशन बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे कि हमने इससे पिछले उसके अंदर किए तो आप देखें यहां पर यहां पर हम बात करते हैं इसकी हम ये इस पर ऑपरेशन लगाते हैं हमने सबसे पहले पहले एलिमेंट को वन बनाना था तो यहां पर वन आर रेडी है तो इसको वन बनाने की जरूरत नहीं है अब क्या करना है हमने हाँ इसके नीचे जो फोर है और वन इसको जीरो जीरो बना सबसे पहले फोर को जीरो बनाते हैं फोर को जीरो बनाने के लिए फोर किस रो के अंदर है आर टू के अंदर है यहां पर मैंने लिखा आर टू ये वाला आर टू उसके बाद मैंने इस फोर को जीरो बनाना है ठीक है तो मैं यहां फोर है तो मैं लिखूंगा माइनस फोर वन किस में बनाया है आर वन में इसे आर वन से मल्टीप्लाई कर लूँ ये प्रोसेस हम निकालते हैं देखते हैं ये देखें पहले आर वन क्या है आर वन मेरे पास था वन माइनस वन टू जीरो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस फोर से ये मैंने माइनस फोर से मल्टीप्लाई किया माइनस फोर फोर माइनस फोर टू इज माइनस एट माइनस फोर इंटू जीरो जीरो और इसे ऐड कर देते हैं आर टू के अंदर आर टू क्या है फोर टू वन इसको ऐड कर दें फाइव माइनस एट और टू माइनस सिक्स इन टू वन अब ये जो आंसर है ये मैंने आर टू के अंदर लिख दिया जीरो फाइव माइनस सिक्स एंड वन इसके बाद मैंने क्या किया मैंने इसके बाद इस वन को जीरो बनाना है ये वन किस रो के अंदर है आर थ्री के अंदर मैंने आर थ्री लिखा प्लस यहां पर वन है यहां पर माइनस वन वन रो में बनाया है आर वन मेरे पास क्या है आपको पता है आर वन मेरे पास है वन माइनस वन टू जीरो मल्टीप्लाई किया किस से माइनस वन से तो क्या हो गया माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन माइनस वन टू माइनस टू माइनस वन जीरो जीरो इसे ऐड कर देना है आर थ्री के अंदर आर थ्री क्या है जी आर थ्री हमारे पास ये वाली रो है वन वन सेवन माइनस वन यहाँ पर मैं लिखता हूँ वन 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 सेवन माइनस वन इसको ऐड कर देते हैं ये जीरो हो जाएगा ये टू हो जाएगा ये फाइव हो जाएगा ये माइनस वन हो जाएगा लिहाजा आर टू के अंदर लिखा जीरो ये जीरो माइनस वन जीरो टू, फाइव इसके बाद मैंने क्या काम करना है मैंने इस फाइव को वन बनाना है दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट को डायगेल एलिमेंट है तो मैंने देखा या तो फाइव पर डिवाइड कर दें तब ये दो फ्रैक्शन बन जाएगी फ्रैक्शन को एडसपट करना मुश्किल होता है इसलिए मैंने क्या किया मैंने ऐसा किया कि मैंने देखा नीचे टू है अगर इस मैं रो को रो थ्री को टू से मल्टीप्लाई करके आर थ्री से आर टू से माइनस कर दूं, रो थ्री को ये टू टू इज फोर है टू टू इज फोर होके ये माइनस करूंगा तो वन बन जाएगा मैं आर थ्री को टू से माइनस टू से मल्टीप्लाई करके आर टू में ऐड कर देता हूं ये आर थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई करके आर टू में ऐड कर दिया तो ए, मैंने ये क्या थी मैंने आर थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई करके आर टू में ऐड कर दिया अब आर थ्री यहां पर क्या है आर थ्री है जीरो टू फाइव माइनस वन इसे मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस टू से जीरो माइनस फोर माइनस टेन एंड टू आर टू क्या हो जाएगा आर टू हमारे पास क्या हो गया आर टू हमारे पास जीरो फाइव माइनस सिक्स एंड वन ये हो गया ये मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया जीरो वन आ गया माइनस सिक्सटीन ये थ्री आ गया ये मैंने किसकी जगह लिखा आर टू की जगह लिखा आर टू की जगह देखें जीरो ये जीरो जीरो वन वन माइनस यहां पर लिखा जीरो वन माइनस सिक्सटीन ये थ्री अब हमने इस वन को इस्तेमाल करके इस वन को इस्तेमाल करके इसके नीचे जीरो बनाना है किस को जीरो बनाना है टू को टू किस में है आर थ्री में मैंने आर थ्री लिखा यहां पर प्लस टू है यहां पर माइनस टू लिखा वन किस में बनाया था आर टू में बनाया था ये आर टू लिख दिया ठीक है तो मैं ये करता हूँ, यहाँ पर यही काम कर रहा है आर थ्री प्लस माइनस टू इंटू आर टू अब देखिये आर टू क्या है आर टू था जीरो वन माइनस सिक्सटीन थ्री मैंने इसे माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया जीरो माइनस टू थर्टी टू माइनस सिक्स आर थ्री में एड कर दिया आर थ्री क्या जीरो टू फाइव माइनस वन क्योंकि जीरो जीरो थर्टी सेवन माइनस सेवन तो यहां पर क्या हो गया जीरो ये देखें जीरो जीरो थर्टी सेवन माइनस सेवन अब हमने डायगनल का तीसरा एलिमेंट वन बनाना है। तो इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है मैं थर्टी सेवन को थर्टी सेवन से ही डिवाइड कर दूंगा तो ये ये तो जीरो जीरो रहे थर्टी सेवन ओवर थर्टी सेवन वन हो गया माइनस सेवन ओवर थर्टी सेवन आ गया अब देखें मैंने आपको कहा कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है यहां पर जब हमने लिखा था तो ये वाला मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स था ए मैट्रिक्स था कौन सा मैट्रिक्स था ए तो यहाँ पर ये वाले जो है ये ये जो यहाँ पर आएगा ये ए करें यहाँ पर ये एच ई फॉर्म बन गई नॉन जीरो रोज कितनी है ये भी नॉन जीरो हैं ये भी नॉन जीरो है ये भी नॉन जीरो, जीरो तीनों रोज नॉन जीरो हैं तो इसका मतलब ए का रैंक कितना हो गया रैंक ऑफ ए कितना हो गया रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए कितना हो गया थ्री हो गया और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो गया अब देखें अब ये हटा दें अब यहां से लेकर ये पूरा ये पूरी रो नॉन जीरो ये पूरी नॉन जीरो ये भी पूरी नॉन जीरो रैंक ऑफ ए बी बी थ्री हो गया तीनों नॉन जीरो रोज हैं। और नंबर ऑफ ए नॉन कितने थे इसके अंदर नंबर ऑफ ए नॉन की बात करते हैं इसके अंदर थे एक दो तीन तीन थे

यहां पर देखें पहले जब हमने लिखा था पह… ये किसके कोफिशियंट थे पहले कालम वाले एक्स वन के कॉफिशियंट थे दूसरे कालम वाले एक्स टू के कॉफिशियट थे तीसरे कालम वाले एक्स थ्री के कोफिशंट थे लिहाजा ये एक्स वन किस कोफिशियंट है एक्स वन का ये वन एक्स वन लिखा दूसरे कालम वाले किसके कोफिशियंट है एक्स टू के ये एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस ये टू एक्स थ्री ये एक्स थ्री काफिशियन इज इक्वल टू जीरो सिमिलर्दी ये पहला जीरो हो गया दूसरा किसका कोफिशियंट एक्स टू का माइनस सिक्सटीन एक्स थ्री इज इक्वल टू थ्री आ गया और 3, थर्ड के अंदर एक्स वन वाला भी जीरो एक्स टू वाला भी जीरो एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस सेवन ओवर थर्टी सेवन आ गया अब हम क्या करते हैं ये जो एक्वेशन टू है एक्वेशन टू इसके अंदर एक्वेशन टू में मैंने एक्स की वैल्यू ये एक्स थ्री की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर पुट एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस सेवन बाय थर्टी सेवन एक्स टू वैसे माइनस वैसे एक्स थ्री की जगह क्या आ गया माइनस सेवन बाय थर्टी सेवन इज इक्वल टू थ्री मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया ये क्या आ गया सिक्सटीन इंटू सेवन वन ट्वेल्व आ गया ओवर थर्टी सेवन इज इक्वल टू थ्री मैं इसको दूसरी साइड पर ले गया दूसरी साइड पर जाकर ये नेगेटिव हो गया एक्स टू इज इक्वल टू थ्री माइनस वन वन टू डिवाइडेड बाय थर्टी सेवन मैंने इसका एलसीएम लिया तो एक्स टू इज इक्वल टू माइनस वन वन ओवर थर्टी सेवन आ गया अब मैं एक्स टू की वैल्यू और एक्स थ्री की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ और यहाँ से एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस वन बाय थर्टी सेवन एक्स थ्री माइनस सेवन ओवर थर्टी सेवनस वन ओवर थर्टी सेवन प्लस टू वैसे एक्स वैसे थ्री क्या आ गया माइनस सेवन बाय थर्टी सेवन इज इक्वल टू जीरो आ गया तो ये एक्स वन क्या हो गया एक्स वन माइनस माइनस प्लस हो गया वन ओवर थर्टी सेवन माइनस प्लस माइनस सेवन टू इज फोर्टीन ओवर थर्टी सेवन इज इक्वल टू जीरो इन दोनों का एल्सियम दिया तो ये हो गया वन माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू माइनस थर्टीन ओवर सेवन इज इक्वल टू जीरो एक्स वन इज इक्वल टू थर्टीन ओवर थर्टी सेवन अच्छा मैंने इस वैल्यू के एक्स थ्री को यहाँ पर पुट करके एक्स टू निकाला एक्स थ्री एक्स टू को यहाँ पर पुट करके एक्स वन निकाला इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैक सब्टीटन मैथड क्या कहते हैं इस प्रोसेस को बैक सब्टीट्यूशन मैथड कहते हैं अच्छा ये मैंने पहली कंडीशन का आपको क्वेश्चन करवा दिया है यानी कि ये पहली कंडीशन का हमने क्वेश्चन कर लिया अब हम दूसरी कंडीशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं मेरा पर्पज आपको कंसेप्ट देना है तरीकाकार यही है ठीक है आपने बाकी क्वेश्चन इसके अलावा भी सॉल्व कर दें मैंने सिर्फ हर कंडीशन का एक एक क्वेश्चन करवाया अब यहाँ पर है डिस्कस दी नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दी गिवन लीनियर सिस्टम ठीक है ये मैंने क्या किया मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख दिया इसके बाद ए एक्स और बी लिखा है इसके बाद मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दी जो कि आपको बनानी आती है ठीक है मैं अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिया मैंने मैंने देखा कि यहाँ पर जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई थी यहाँ पर फाइव था मुझे यहाँ पर क्या चाहिए वन चाहिए मैंने इसी में देखा कि क्या नीचे वन मौजूद है मैंने देखा कि इसी कालम के अंदर सबसे नीचे वन मौजूद है किसमें आर थ्री में ये रो जो होती है ये आर वन कहलाती है पहली रो ये रो जो है पूरी ये आर टू कहलाती है और ये पूरी रो आर थ्री कहलाती है ठीक है ये आर वन है ये आर टू है ये आर वन है ये आर टू है ये आर थ्री है मैंने देखा यहाँ पर वन मौजूद है मैंने क्या किया बजाय इसके कि मैं इस पर डिवाइड करके क्वेश्चन को मुश्किल बना देता मैंने आर थ्री को और आर वन को इंटरचेंज कर दिया मतलब आर थ्री को आर वन की जगह लिखा आर वन को आर थ्री की जगह लिखा यहाँ पर देखें मैंने ये इंटरचेंज कर दिया आ ये आर थ्री आर थ्री वन वन थ्री टू यहां आ गई और जो पहली फाइव माइनस टू वन थ्री थी वो, यहां चली गई टू अपनी जगह पर रही अब मैंने क्या करना है मैंने इस वन को इस्तेमाल करना है और इस वन को इस्तेमाल करते हुए इसके नीचे मैंने क्या बनाने जीरो जीरो बनाने हैं तो मैंने देखा वन के नीचे थ्री को जीरो बनाना है थ्री किस रो के अंदर है आर टू के अंदर मैंने आर टू लिखा प्लस यहां पर प्लस थ्री है तो यहां अपोजिट साइन आता है माइनस थ्री आ जाएगा ठीक है वन किस में बनाया है आर वन में ठीक है अच्छा इसके बाद मैंने फाइव को जीरो बनाना है ये किस में, आर थ्री, में. मैंने आर थ्री लिखा प्लस प्लस इंटू फाइव, फाइव आर वन आ जाएगा ठीक है तो आप देखें यहां पर कि मैंने ये प्रोसेस करता हूं ये प्रोसेस करने के बाद इस वन के नीचे जीरो जीरो बन जाएगा बिल्कुल वैसी है जैसे कि हम पहले करते आए हैं वैसे है इसको मैं करने जा रहा हूं देखिए पहले मैं क्या करने जा रहा हूं आर टू प्लस इन टू माइनस थ्री आर वन देखिए जो भी रो इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रही होती है वो वैसे कि वैसे लिखी जाती है जैसे कि ऊपर होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता चेंज इन में आता है जो यहाँ पर मौजूद है इनमें चेंज आएगा पहले मैंने आर वन लिखा आर वन है वन वन थ्री टू मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री से आंसर आया क्या माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस सिक्स मैंने ऐड कर दिया आर टू के अंदर आर टू क्या है थ्री टू सेवन फाइव ये ये क्या हो गया जीरो हो गया ये क्या हो गया माइनस वन हो गया ये क्या हो गया माइनस टू हो गया ये क्या हो गया माइनस वन हो गया मैंने इसको किसकी जगह लिखा आर टू की जगह लिखा ये आर टू की जगह लिख जीरो माइनस वन माइनस टू एंड माइनस वन ठीक है ये मैंने बताया अब मैं दूसरा प्रोसेस करने जा रहा हूँ ये वाला अब मैंने आर थ्री प्लस इंटू माइनस फाइव इंटू आर वन लिखा आर वन क्या है जी वन वन थ्री टू मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस फाइव से माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस टेन मैंने आर थ्री में ऐड कर दिया आर थ्री क्या थी फाइव माइनस टू वन थ्री तो इनको ऐड किया तो क्या आ गया आंसर आंसर आ गया ज़ीरो माइनस सेवन माइनस फोर्टीन माइनस सेवन ये आ गया इसको मैंने आर थ्री की जगह लिखा आर थ्री की जगह लिखा ये देखें जीरो माइनस सेवन जीरो माइनस सेवन माइनस फोर्टीन माइनस फोर्टीन माइनस सेवन माइनस सेवन ठीक है यहाँ पर मैंने ली जीरो माइनस सेवन माइनस फोर्टीन माइनस अब यहाँ पर माइनस वन आ गया मैंने इस माइनस वन को प्लस वन बनाना है तो इसके लिए मैंने आर टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया आर वन और आर थ्री वैसे कि वैसे रहीं सिर्फ इसके साइन चेंज हो गया जीरो ये माइनस था तो प्लस हो गया माइनस था तो प्लस हो गया माइनस था तो प्लस हो गया अब मैंने इस वन को इस्तेमाल करके इसके नीचे जो सेवन है माइनस सेवन है इसको जीरो बनाना है तो इसको जीरो बनाने के लिए मैंने क्या किया माइनस सेवन किस रो में आर थ्री में आर थ्री लिखा यहाँ पर माइनस सेवन यहाँ पर प्लस सेवन साइन अपोजिट वन किस में बनाया आर टू में आर टू में तो आप देखें मैंने कौन सा केस करने जा रहा हूँ? आर थ्री प्लस इंटू सेवन आर टू आर टू क्या है यहाँ पर आर टू ए जीरो वन टू वन मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया सेवन से जीरो सेवन फोरटीन सेवन ठीक है तो इसके बाद हम क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं किसमें आर थ्री में आर थ्री क्या है हमारे पास जीरो माइनस सेवन माइनस फोर्टीन माइनस सेवन क्या हो गया जीरो 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 मैंने ये फिर यहाँ पर जीरो 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 देखिए आगे मैंने इसको मैंने वन बनाना था अब ये जीरो आ गया तो प्रोसेस स्टॉप हो गया अब सुरा मुझे ये बताएं इसमें यहाँ तक जो मैट्रिक्स होता है ये वाला यहाँ तक ये मैट्रिक्स ए था तो ये जो है ए का रैंक है कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं ये पहली भी नॉन जीरो दूसरी भी नॉन जीरो ये तीसरी सारी ज़ीरो हो गई तो ये नॉन जीरो नहीं है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ टू है तो ए का रैंक टू हो गया अब मैं पूरे ऑगमेंट्री मैट्रिक्स की बात करता हूँ ये पूरा है ये पूरा ऑगमेंट्री मैट्रिक्स है ये पहली नॉन जीरो दूसरी नॉन जीरो तीसरी भी नॉन जीरो तो रैंक ऑफ ए बी वी टू हो गया नंबर ऑफ अन कितने हैं नंबर ऑफ अन आपने देखा यहां पर इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ है एक, दो, तीन। तो हमने यहां पर लिख दिया नंबर ऑफ इज इक्वल टू थ्री दस कंडीशन इज सेटिस्फाइड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ अकमेंटेड मैट्रिक्स विच इज लेसर देन नंबर ऑफ अन तो क्या हो जाएगा देअ फोर देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन ऑफ ती गिवन लीनियर सिस्टम तो इस इस सिस्टम के जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हम निकालते हैं पहला किसका कोफिशियंट है एक्स वन का एक्स वन प्लस ये क्या एक्स टू वन एक्स टू ये क्या प्लस थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू टू ये टू आ गया दूसरा एक्स वन वाला जीरो एक्स टू का कोफिशियंट है ये एक्स टू आ गया प्लस थ्री एक्स थ्री आ गया इज इक्वल टू वन हो जाएगा <laughs> ठीक है तीसरी जो है वो जीरो है तो वो छोड़ दी अब हम यहाँ से एक्स टू की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स टू को हम यहाँ रखा और टू एक्स थ्री को दूसरी तरफ ले गए यहाँ पुट कर देते हैं पुट एक्स थ्री इज इक्वल टू आर तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू इज इक्वल टू वन माइनस टू आर हो जाएगा यहाँ पर याद रखें जो आर है ये वेरिएबल है इसी तरीके से हम यहाँ से एक्स वन की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स वन की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो एक्स टू की यहाँ वैल्यू निकाली यहाँ पर पुट कर रहा तो सिंपलीफाई वैसे वैसे. ये ये किया तो एक्स वन प्लस टू एक्स थ्री प्लस थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू टू ये थ्री एक्स थ्री और माइनस टू एक्स थ्री यहां पर क्या बचा एक्स वन Plus, ये बचा एक्स थ्री इस वन को मैं दूसरी तरफ ले गया माइनस हो गया टू से तो एक्स वन इज इक्वल को मैंने यहाँ भी आर पुट किया था यहाँ भी आर पुट कर दिया तो एक्स वन क्या आ जाएगा one minus, one minus, आर आ जाएगा अब हमने क्या करना है इसके इन अच्छा यहां पर आप एक्स थ्री को आर ना भी पुट आर ना भी पुट करें तब भी ठीक है तब भी इन फाइनल सोल्यूशन है क्योंकि एक्स थ्री एज ए वेरिएबल आएगा यहाँ पर ठीक है तो नेक्स्ट ठीक है हम इसमें देखते हैं यहां पर मैंने लिखा है कि दस दी इक्वल वन माइनस आर की वैल्यू ये निकली वन माइनस आर एक्स वन की वैल्यू ये निकली वन माइनस आर तो मैंने लिखा एक्स वन इज इक्वल वन माइनस आर एक्स टू की वैल्यू क्या निकली एक्स टू था वन माइनस टू आर एक्स टू था वन माइनस टू आर एक्स थ्री क्या गया, गया। एक्स थ्री को मैं आर पुट कर चुका हूँ इसमें भी आर पुट किया इसमें भी आर पुट किया ठीक है यहां पर तो एक्स थ्री को मैंने आर लिख दिया देखिए यहां पर अगर मैं आर को वन पुट करूँ तो क्या जाएगा? X1, 0 आ जाएगा एक्स वन जीरो आ जाएगा एक्स टू माइनस वन आ जाएगा एक्स थ्री वन आ जाएगा देखिए आर की कितनी वैल्यूज है आर वेरिएबल है आर की इनफाइनाइट वैल्यू है जब आर की इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे तो इसके इस सिस्टम के इंफिनिट सोल्यूशन आ जाएंगे यही मैंने नीचे लिखा है देयर आर इन फाइनाइट वेल्यूज ऑफ आर सो देर आर इन फाइनाइट सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम अब एग्जाम्पल नंबर थ्री है बिल्कुल वैसे ही है डिस्कस द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ये यहाँ पर मैं ये थर्ड कंडीशन के लिए ये एग्जाम्पल टू के लिए कर दिया अब थर्ड के लिए करने जा रहा हूं जब रैंक बराबर नहीं होंगे तो सोल्यूशन नहीं आएगा थर्ड कंडीशन तो यहाँ पर मैंने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया ऑर्गमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद मैंने देखा कि यहां पर मुझे वन चाहिए तो वन इसमें आर थ्री में मौजूद है तो मैंने आर वन को और आर थ्री को इंटरचेंज कर दिया यहां पर भी मैंने यही लिखा है कि मैंने दोनों को इंटरचेंज किया जब मैंने इंटरचेंज किया तो ये आ गया वन वन थ्री टू ये आर थ्री वन की जगह पर वन आर थ्री की जगह पर चला गया अब ये वन तो आ चुका अब इस वन को इस्तेमाल करके थ्री को भी जीरो बनाना है फाइव को भी जीरो बनाना है मैंने देखा कि यहाँ पर थ्री किस किस आ, रो के अंदर है आर टू के अंदर आर टू लिखा ये प्लस थ्री है तो यहाँ पर माइनस थ्री लिखा टू वन किस में बनाया आर वन में सिमिलरली यहाँ फाइव है तो फाइव को मैंने क्या किया ये आर थ्री में है तो मैंने आर थ्री लिखा यहाँ पर फाइव है तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस फाइव लिखा वन किस में बनाया आर वन में बनाया तो ये आ गया ठीक है अब ये हम प्रोसेस करते हैं ये प्रोसेस करते हैं तो हम देखते हैं कि हम हमें क्या मिलता है यहां पर हमने यही काम जो ऑपरेशन लिखे हैं यही ऑपरेशन करने जा रहा हूँ पहला मैंने ऑपरेशन लिखा है आर टू प्लस इंटू माइनस थ्री आर वन आर वन क्या है आर वन 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 थ्री टू इसे मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री से माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस टाइम माइनस सिक्स इसे ऐड कर दिया आर टू में आर टू क्या है थ्री टू सेवन थ्री इसे ऐड कर दी ये जीरो हो गया ये माइनस वन आ गया ये माइनस टू आ गया ये माइनस थ्री आ गया लिहाजा इसको लिखा जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री आ गया अब इसके बाद हम क्या करते हैं अगला काम ये वाला करते हैं क्या है जी आर थ्री आर थ्री प्लस इंटू माइनस फाइव आर वन क्या है वन वन थ्री टू मल्टीप्लाई किया माइनस फाइव से माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस टेन इसे आर थ्री में ऐड कर दिया आर थ्री क्या फाइव माइनस टू वन टू ये जीरो हो गया ये माइनस सेवन माइनस फोर्टीन माइनस एट हो गया ये वैल्यू मैंने ये वाली यहां पर लिखी जीरो माइनस सेवन माइनस फोर्टीन माइनस एट अब मैंने अगले एलिमेंट को वन बनाने या माइनस वन है तो मैंने आर टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया आर वन भी वैसे रही आर थ्री भी वैसे रही इसके साइन चेंज जीरो ये वन ये टू ये थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दी अब ये वन बन गई इस वन को इस्तेमाल करके हमने नीचे जीरो बनाना है अब मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर ये माइनस सेवन किस रो में आर थ्री में माइनस सेवन किस में आर थ्री में है ये टू नहीं आर थ्री है आर थ्री के अंदर है मैंने आर थ्री के अंदर किया यहाँ माइनस सेवन है यहाँ प्लस सेवन आ गया वन किस में बनाया आर टू में बनाया तो ये प्रोसेस मैं कर देता हूँ देखिए जब मैं ये प्रोसेस करता हूँ आर थ्री प्लस इन टू सेवन आर टू तो क्या हो जाता है ये आर टू हमारे पास क्या ज़ीरो वन टू थ्री है मल्टीप्लाई किया सेवन से ज़ीरो सेवन फोर्टीन ट्वेंटी वन इसमें ऐड कर दिया आर थ्री आर थ्री मेरे पास थी जीरो माइनस सेवन माइनस फोर्टीन माइनस ए आंसर क्या आ गया ज़ीरो जीरो जीरो माइनस थर्टीन तो ये मैंने आर थ्री की जगह लिख दिया ये जीरो जीरो ज़ीरो माइनस थर्टीन तो यहाँ से देखा हमने कि ये जो था ये मैटिक्स ए का रैंक है नंबर ऑफ नान ज़ीरो रोज़ क्या है ये भी नाम जीरो ये रो जीरो, जीरो है तो ए का रैंक टू हो गया अब ऑर्गमेंटेड मैट्रिक्स का देखें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये पूरा ये पूरी नाम जीरो ये भी नाम जीरो ये भी नाम जीरो हो गई अब एक भी एलिमेंट जीरो ना हो तो वो पूरी रो नाम जीरो है इसका रैंक ए बी का रैंक थ्री हो गया तो मैंने कहा क्योंकि दोनों के रैंक इक्वल नहीं है दे फोर बाय थर्ड कंडीशन वी नो दैट क्योंकि तीसरी कंडीशन हमें क्या बताती है तीसरी कंडीशन ये है ना सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज नो सोल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी तो रैंक ऑफ ए बी की इक्वल नहीं है तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा सोल्यूशन नहीं होगा दस देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ दब लीनियर सिस्टम ऑफ ऑफ इन ठीक है